दोस्तों आज गुल्ली और बुल्ली हेलो नेबर के घर में जाकर फंसने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हेलो नेबर के बारे में कुछ बता देता हूँ ताकि आपको आगे की स्टोरी में समझ में आए। ये कहानी है हेलो नेबर की। वो पहले काफ़ी अच्छे थे और अपने परिवार के साथ काफ़ी घुल मिल कर रहते थे। उनकी एक वाइफ थी और दो बच्चे थे, जिसमें से कि एक लड़की थी और एक लड़का था, और वो दोनों काफ़ी छोटे छोटे थे। अब वो अपने परिवार से काफ़ी प्यार करते थे और एक दिन उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना पिकनिक पे जाया जाए। और फिर अगले दिन ही सुबह सुबह ये लोग पिकनिक मनाने के लिए जाने लगते हैं। और ये लोग हाईवे से गुजरते हुए जा रहे थे और अचानक से इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। ये देखकर नेवर अंकल काफ़ी ज़्यादा पगला जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। और उनकी जो वाइफ थी वो थोड़ी थोड़ी ज़िंदा थी, वो उनको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में उनकी वाइफ भी दम तोड़ देती है और उसकी भी मौत हो जाती है। और इधर नेवर अंकल अकेले पड़ जाते हैं। और नेवर अंकल जब घर आते हैं तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनके बच्चे अभी तक ज़िंदा हैं, क्योंकि ये मेंटली तौर पर पागल हो चुके थे और ये जगह जगह पर मिसिंग पोस्टर लगवा देते हैं अपने बच्चों लोग की। लेकिन कुछ ही दिनों में इन्हें पता चल जाता है कि इनके बच्चे अब कभी वापस नहीं आने वाले हैं, लेकिन ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा पागल ही हो चुके थे। और इन्होंने एक रोबोट भी बनवा लिया था, जिसके अंदर एक स्पीकर भी फिट करवा लिया था, और उस स्पीकर से आवाज़ आती थी इनके बच्चे लोग की, और जिससे इन्हें लगता था कि इनके बच्चे अभी भी ज़िंदा हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद वो रोबोट ख़राब हो जाती है, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाते हैं, और अभी तक ये काफ़ी ज़्यादा पागल ही हैं। और अब जो भी इनके घर आता है और इनके बच्चों लोग की खिलौने को छूने की कोशिश करता है, ये उसे मार डालते हैं। और अब गुल्ली और बुल्ली इसी जगह में आने वाले हैं। देखते हैं आगे की स्टोरी में कि क्या होने वाला है। अरे ये क्या, ये स्टोरी तो बुल्ली अपने मोबाइल में देख रहा है। बुल्ली को हॉरर वीडियोस देखना काफ़ी पसंद है, इसीलिए वो मैक जोक ऑफ हॉरर की वीडियोस देखने में लगा हुआ है। और इधर काफ़ी दिनों से गुल्ली और बुल्ली की जीप भी ख़राब हो चुकी है, लेकिन गुल्ली इसे बनाने की कोशिश कर रहा है, शायद अब ये जीप बन जाएगी। दरअसल हुआ ये था कि गुल्ली और बुल्ली की जीप तो बढ़िया ही है, लेकिन बस वो चालू नहीं हो रही है, इसीलिए बुल्ली उसे चालू करने की कोशिश करता है। लेकिन बुल्ली से जब वो नहीं होता है तब गुल्ली ट्राई करता है। अब देखते हैं कि गुल्ली से गाड़ी बनती है या नहीं। और तभी बुल्ली के मोबाइल में किसी का फ़ोन बजता है। बुल्ली तुरंत फ़ोन उठाता है तो ये फ़ोन बुल्ली का एक पुराना दोस्त का होता है। वो बुल्ली को अभी तुरंत एक जगह पे भुला रहा होता है, क्योंकि उसे अभी कुछ ज़रूरी काम है। लेकिन बुल्ली का जो भी दोस्त है वो काफ़ी डरा हुआ है, और इसीलिए बुल्ली भी काफ़ी डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ है। बुल्ली को जल्दी से जल्दी उसके दोस्त के पास जाना होगा। और इधर गुल्ली से गाड़ी बन भी नहीं रही है, पता नहीं ये गाड़ी कब बनेगी। लेकिन काफ़ी देर से कोशिश तो जारी है, पता नहीं अब लगता है गाड़ी ठीक हो जाएगी। अरे ये क्या, गाड़ी तो स्टार्ट हो चुकी है। और अब बुल्ली गुल्ली को सारी बातें बताता है और दोनों अपने दोस्त के पास जाने लगते हैं। लेकिन गुल्ली और बुल्ली का ऐसा कौन सा पुराना दोस्त है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इधर गुल्ली और बुल्ली की गाड़ी भी ख़राब होने लगती है। कभी कभी गाड़ी रुक जाती है और कभी कभी चलने लगती है। गुल्ली और बुल्ली को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पहुंच पाएंगे या नहीं। लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते हैं और जाते ही रहते हैं। गुल्ली और बुल्ली काफ़ी दूर आ जाते हैं और वो एरिया काफ़ी जंगली वाला एरिया था। वहाँ दूर दूर तक खाली पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। पता नहीं गुल्ली और बुल्ली कब वहाँ पहुँचेंगे।
लेकिन गुल्ली और बुल्ली का दोस्त ने फ़ोन पर यह बताया था कि वो एक टूटा फूटा घर के पास है जो कि मोहल्ले के बीच में है। और फिर करीब आधे घंटे के बाद गुल्ली और बुल्ली को वो मोहल्ला दिखाई दे देता है, लेकिन ये मोहल्ला काफ़ी सापित एरिया है और यहाँ कोई भी नहीं रहता और यहाँ जो भी रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली को इसके बारे में नहीं पता। कुछ देर में गुल्ली और बुल्ली एक घर के पास आ जाते हैं और ये वही घर है जो काफ़ी टूटा फूटा है, लेकिन बाहर से काफ़ी शीशा का विंडो लगा हुआ है और ये घर काफ़ी चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली का दोस्त ने इन लोगों को यहीं पर बुलाया था और तभी गुल्ली और बुल्ली को इस घर के अंदर से अपने दोस्त की आवाज़ें आ रही थी, वो भी चीखने की। गुल्ली और बुल्ली काफ़ी डर जाते हैं, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि इस घर में ज़रूर कुछ बुरा है, उन्हें जाकर देखना चाहिए। लेकिन पता नहीं उन लोगों को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ इस घर से आ रही है या फिर बगल वाले घर से आ रही है, क्योंकि दोनों घर काफ़ी डरावने ही दिख रहे थे। और गुल्ली और बुल्ली को ये नहीं पता कि ये घर हेलो नेबर का ही घर है। वो एरिया में सिर्फ 7 या 8 ही घर थे और जिसमें भी कोई भी नहीं रहता है। गुल्ली और बुल्ली को यहाँ से जल्द निकलना होगा, नहीं तो ये लोग कोई मुसीबत में फंस जाएंगे और इनका जो भी दोस्त था वो भी फंस चुका है। कुछ देर में गुल्ली और बुल्ली को ऐसा पता चल जाता है कि यहाँ सारे घर में कोई भी नहीं रहता है और ये लोग फैसला करते हैं कि एक एक करके एक एक घर को जांच करेंगे कि उनका दोस्त आखिर कहाँ पे जाकर चिल्ला रहा है, वो कहाँ पे मुसीबत में फंसा हुआ है। कुछ देर के बाद गुल्ली और बुल्ली अपने दोस्त को ढूंढने के लिए गाड़ी से उतरते हैं और इस घर के सामने खड़े हो जाते हैं। और अब गुल्ली जाने वाला है इस घर के अंदर ये देखने के लिए कि उसका दोस्त कहाँ पे मुसीबत में फंसा हुआ है, और बुल्ली जाने वाला है दूसरे घर के अंदर। और गुल्ली कुछ देर के बाद दूसरे घर की तरफ चला जाता है और गुल्ली सीधे चला जाता है। गुल्ली को घर के अंदर जाने में काफ़ी ज़्यादा मुसीबत लग रही थी क्योंकि ये घर काफ़ी डरावना लग रहा था। कुछ देर के बाद गुल्ली अंदर जाता है और सारे घर को अच्छे से चेक करने लगता है। वहाँ सिर्फ शीशे का खिड़की ही लगा हुआ था जिससे कि बाहर का नज़ारा दिखाई दे रहा था और आसपास कुछ भी नहीं था, पूरा घर खाली था। लेकिन पता नहीं क्यों गुल्ली को ऐसा लग रहा है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। और इधर एक दरवाज़ा होता है जिसमें से बेसमेंट दिखाई दे रहा था, पता नहीं ये बेसमेंट में क्या है, वहाँ काफ़ी अंधेरा था। फिर गुल्ली दूसरे रूम की तरफ जाने लगता है ये देखने के लिए कि उसका दोस्त आखिर इस घर में तो नहीं है। लेकिन कुछ देर के बाद गुल्ली ये कंफर्म हो जाता है कि उसका दोस्त यहाँ नहीं है और सामने सिर्फ विंडो ही लगा हुआ था, वो इस घर से बाहर निकलने वाला ही होता है कि तभी। अरे ये क्या, यहाँ तो हेलो नेबर ही आ जाते हैं। और गुल्ली ने हेलो नेबर को पहली बार ही देखा है और अब हेलो नेबर गुल्ली को छोड़ने वाले नहीं है और अब गुल्ली फंस चुका है। तो दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली का, क्या गुल्ली मारा जाएगा या गुल्ली का जान बच पाएगा, क्या बुल्ली भी यहाँ आकर मारा जाएगा, और उनका दोस्त आखिर कौन है और क्या वो भी मारा जा चुका है, ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।
face. Tell me that you love me, even if it's fake.